कहते हैं किसी इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। वैसे तो अच्छा खाना बनाना महिलाओं का अनिवार्य गुण माना जाता है, पर कुछ ऐसी भी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने इस गुण को ही अपनी पहचान बना ली। हम बात कर रहे हैं रायपुर शहर में अपनी कुकिंग एकेडमी चलाने वाली आकांक्षा राय की। करीब 12 वर्षों से लोगों को स्वादिष्ट खाना बनाने का हुनर सिखाने वाली आकांक्षा ने कुकिंग का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है। अपनी क्रिएटिविटी और कुछ नए सीखने की लगन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। हालांकि उनके बिजनेस के शुरुआती दिनों में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, पर उन्होंने इसे चुनौती लेते हुए दिन रात मेहनत की और अपने पैशन को बुलंदियों तक पहुंचाया। यही वजह है कि आकांक्षा के इस काम को लोगों ने भी सराहा और उन्हें कई अवार्ड देकर उनका मान बढ़ाया। आकांक्षा के हर कदम पर उनका परिवार उनके साथ खड़ा रहा, जिस कारण वह घर और बाहर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल पाई। आकांक्षा बिजनेस की दुनिया में एक बड़ा नाम है और जाहिर सी बात है दूसरों के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। कुकिंग की दुनिया में अपना खास मुकाम बना चुकी आकांक्षा राय आज हमारे साथ हैं। चलिए बात करते हैं और उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनका पैशन उनका बिजनेस बन गया। आकांक्षा, क्लिपर 28 पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मीनल। आकांक्षा, जब हम कुकिंग की बात करते हैं तो एक जहन में आता है कि हम सभी कुकिंग कर रहे हैं। आपको कैसे आइडिया क्लिक किया कि कुकिंग मेरा बिजनेस बन सकता है? मीनल, बचपन से ही मैं अपनी मदर को देखते आ रही हूँ जो बहुत अच्छी कुक हैं, और जब भी वो खाना बनाती थी लोग उनकी तारीफ़ें इतनी करते थे, तो मैं यही सोचती थी कि एक पढ़ाई करने के बाद जो परसेंट आते हैं व्यक्ति, वो परसेंट को कुछ क्षण तक, कुछ नॉर्मल समय तक याद रखता है, लेकिन जो खाना बनाकर जो हम परोस कर और जो स्टाइल से हम खिलाते हैं उसे व्यक्ति का दिल जीत लिया जाता है और वो व्यक्ति आपको सालों साल याद रखता है। तो मेरा ये मानना है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां करता है या जो भी शुरुआत करता है उसका पूरा मन होना चाहिए, और जो खाना एक ऐसी चीज़ है जिससे हम व्यक्ति का दिल तो जीत सकते हैं, प्लस उसको आंतरिक तरीके से उसके एक आत्मा को संतुष्टि भी प्रदान करते हैं। और इसी तरीके से फिर मैंने सोचा कि मेरी भी रुचि आई अपनी मदर को देखते हुए कि लोग जिस तरीके से उनकी तारीफ़ करते थे, जिस तरीके से वो बनाती थी, उन्हें जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे वो चीज़ मुझे भी मिले, और धीरे धीरे मैं उनसे सीखती चली गई और फिर मैं अपना खुद का भी क्रिएशन करती थी। जैसे पढ़ाई होने के बाद कुछ टीवी शोज़ आते थे, उस समय तबस्सुम का सीरियल चलता था, तो मैं जब कोई भी अपने लिए जो भी चीज़ बनाती थी तो मैं बकायदा वो छोटे छोटे कटोरी उसमें और कप्स में निकाल कर पूरा प्रेजेंटेशन देकर उन चीज़ों को बनाने की कोशिश करती थी और अपना खुद का क्रिएशन करती थी। मदर से तो प्रेरणा मिल गई, जाहिर सी बात है शुरुआत तो नॉर्मल कुकिंग से हुई होगी, लेकिन जब प्रोफेशनल बनने की सोची तो जाहिर सी बात है ट्रेनिंग की आवश्यकता आपको महसूस हुई होगी, तो ये ट्रेनिंग कहाँ से हुई, कैसे खुद को संवारा या निखारा? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है मिनल जी। मैं इसको आपको अच्छे से विस्तार से बताना चाहूँगी। क्या है, हॉबी तो मेरी बचपन से ही रही है, पर एक जो प्रोफेशनल टच आना चाहिए, जो एक कहते हैं प्रोफेशनल स्किल आना चाहिए, वो अभी तक नहीं आया था। मेरी बीएससी एजुकेशन हुई, क्योंकि बैचलर ऑफ साइंस मैंने किया था, तो उसके बाद एक क्वेश्चन आता था कि अब आगे क्या करना है। पेरेंट्स की बहुत इच्छा थी कि मैं कंप्यूटर्स में नॉलेज लूँ, क्योंकि उस ज़माने में कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो चलो ठीक है, स्टडीज़ में मैं शुरू से बहुत अच्छी रही हूँ, मेरी रुचि भी रही है पढ़ाई करना, लेकिन मेरा जो मेन इंटरेस्ट था वो कुकिंग में था, वो मेरा पीछा अभी तक नहीं छोड़ता था। फिर मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर मैनेजमेंट ज्वाइन किया और उसमें भी मैंने टॉप किया, यूनिवर्सिटी में मेरी सेकेंड पोजिशन आई। पर इसके साथ साथ मेरा जो क्रिएटिविटी है कुकिंग के क्षेत्र में, वो दिन पर दिन बढ़ता चले जा रहा था और मेरे डेटाज बढ़ते चले जा रहे थे। जो भी मैं रेसिपी बनाती थी उसकी फ़ोटो क्लिक करती थी और उन रेसिपीज़ के मैं नोट्स तैयार करती चली जा रही थी। उसके बीच मेरी शादी हो गई, क्यों जो आम लड़कियों के साथ होता है, पढ़ाई ख़त्म हो गई, शादी हो गई। शादी के बाद जब मैंने अपने ससुराल वालों को अपने हाथ का बना हुआ खाना टेस्ट कराया और जब उन्होंने खाया और मेरे से पूछा कि क्या रुचि है तुम्हारी, तो मैंने बोला मेरी कुकिंग एक हॉबी है। और उस समय मैंने ये नहीं सोचा था कि ये पूरी चीज़ एक बिज़नेस के रूप में फॉर्म हो जाएगी। आज ये जो बिज़नेस का क्रिएशन हुआ है उसकी शुरुआत मेरे ससुराल से हुई है। कुछ बुक्स पढ़नी स्टार्ट की और रात दिन जागकर नई नई डिशेस का क्रिएशन किया, जैसे कि चाइनीज़। मैंने उसकी विस्तार से नेट से जानकारी ली कि चाइनीज़ होता क्या है, लेकिन कोई भी रेसिपी हमने नेट से नहीं निकाली। मैंने अपनी नॉलेज के बदौलत
और घर वालों को जो टेस्ट कराती चली जा रही थी, उस कॉम्प्लीमेंट के बदौलत मैंने अपनी खुद का एक सिलेबस क्रिएट किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये पूरा प्रक्रिया जो थी ये 4 से 6 महीने की थी। जब हमने एक ब्रोशर लॉन्च किया तो उस दिन हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उस दिन हमारे पास 56 सब्जेक्ट्स हो चुके थे। बिना कोई ट्रेनिंग लिए, बिना कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिए, सिर्फ मेरी हॉबी जो थी वो एक पैशन में कन्वर्ट। आपने कहा बिजनेस करना एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और ख़ास करके जब हम महिलाओं की बात करते हैं कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टैंड करना चाहती है, तो किस तरह के स्ट्रगल्स आपके सामने रहे, क्या कठिनाइयां रहीं? क्योंकि महिलाएं तो इजी वे पे अपनी बच्चियों को कुकिंग सीखने भेजती नहीं है, तो किस तरह का दौर रहा वो? बिल्कुल सही कहा मिनल जी आपने। और मेरे हिसाब से बिज़नेस में, हर बिज़नेस की शुरुआत में कोई ना कोई कठिनाइयाँ रहती हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और कुकिंग एकेडमी जब हमने स्टार्ट की तो इसमें शुरुआती दौर में सबसे पहली जो स्ट्रगल का पीरियड था वो मेरे लिए मेरी उम्र थी, क्योंकि उस समय मेरी उम्र 28 से 29 साल की ही रही होगी। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि मुझे, जब मैं बोलती थी कि मुझे ये सारी चीज़ें बनानी आती हैं काउंसलिंग प्रोसीजर में, तो लोग ये हैरान होते थे कि मैं इतना सारा कैसे एक साथ मतलब सिखा सकती हूँ, बिना किसी की हेल्प लिए, बिना किसी शेफ़ के। मैं इटालियन भी सिखा सकती हूँ, मैक्सिकन भी सिखा सकती हूँ। तो लोगों को मुझे कन्विंस करने में शुरुआती तौर पर बहुत दिक्कत हुई, लेकिन मैंने भी इसे चुनौती के फॉर्म में लिया था। और क्योंकि मेरे यहाँ जो महिलाएं आती थी वो मेरे से डबल उम्र की आती थी, 50-55-60 साल की सीखने के लिए, या कोई 40-45 साल की महिलाएं आती थी जिनका किचन एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज़्यादा था। तो ये पहला पड़ाव था स्ट्रगलिंग का, कैसे लोगों को हम कन्विंस करें कि हम इसको कैरियर के फॉर्म में बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इंस्टीट्यूट को रन अप करना शुरू किया कि ये एक क्लास ना होकर एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट का फॉर्म, अकेडमी का फॉर्म रहे, और यहाँ से लोग जो सीख कर जाएँ वो अपने पाँव पे खड़े हों, जिसे एम्पावरमेंट कहते हैं। चुनौतियों की बात की आपने, सबसे बड़ी चुनौती होती है कि एक महिला घर से बाहर निकले, बिजनेस करे या नौकरी करे, और परिवार भी बखूबी संभाले। तो कैसा दौर रहा, कैसे मैनेज करती हैं, घर में भी वक्त देना है, बिजनेस में भी वक्त देना है, कैसे सामंजस्य बिठाती हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने मिनल जी। मेरा मानना है कि शादी के बाद लड़की यदि आगे बढ़ रही है, घर की बहू आगे बढ़ रही है, तो उसके लिए पेरेंट्स का, इन-लॉज का, हस्बैंड का सपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। और इस मामले में मानिए तो मैं बहुत लकी और खुशकिस्मत हूँ कि मेरे सास ससुर और मेरे जो हस्बैंड है, मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, या मुझे उन्हें उनके द्वारा कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं मिली कि जो मुझे अपने कैरियर में आगे बढ़ने में मुझे रुकावट महसूस हो। मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है, और मैं यही कहूँगी कि आज मैं जहाँ खड़ी हूँ, आज जो मेरा नाम है, उसका पूरा श्रेय मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड को जाता है। फैमिली को भी मैं बराबर टाइम देती हूँ, और बिज़नेस को भी, क्योंकि बिज़नेस जो है हमारा पहला बच्चा है जिसको हम ग्रो कर रहे थे, ठीक है, तो उसको समय मुझे बहुत ज़्यादा देना था। लेकिन एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी इन-लॉज और मेरे बीच, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे इस पूरी अंडरस्टैंडिंग में, उनको मेरे पर विश्वास था। कुकिंग को तो आपने अपना पैशन बना लिया, जो लोगों की हॉबी रहती है। आकांक्षा को हम जानते हैं कुकिंग एकेडमी के नाम से, बट आकांक्षा खाली बैठती है तो क्या करना पसंद करती है? आई मीन योर, व्हाट इज़ योर हॉबीज, क्या पसंद है आपको? मीनल जी, मुझे पेंटिंग्स बहुत पसंद हैं। इसके अलावा मेरी गार्डनिंग हॉबी है, और मुझे पुराने गाने सुनने का बहुत शौक़ है। मैं अपने कभी भी खाली समय में जगजीत सिंह जी के गज़ल सुनना बहुत पसंद करती हूँ। म्यूज़िक, रीडिंग्स का भी मुझे बहुत शौक है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना जो हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, ऐसी सब किताबें में मुझे बहुत ज़्यादा रुझान है। आज मैं भी एक महिला हूँ, सोचती हूँ कि कभी कुछ नया करें, कुछ नया सोचें। बहुत सारी ऐसी महिलाएं आपसे भी मिलती होंगी जो कुछ करना चाहती हैं, जिनमें टैलेंट है। आप ऐसी महिलाओं को क्या टिप्स देंगे, यदि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है उनको क्या करना चाहिए? बहुत सही आपने क्वेश्चन किया है मिनल जी। आज का जो युग है इसमें वुमेन का एम्पावरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कहावत है ना, कहते हैं कि एक वुमेन को एजुकेट करोगे तो पूरी फैमिली को एजुकेट करोगे। मेरे हिसाब से तो आप यदि एक वुमेन को एम्पावरमेंट देते हो तो पूरे फैमिली जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट हो जाती है। और इस देश के लिए वुमेन का एम्पावरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वुमेन्स जो हैं यही ओरिजिनल आर्किटेक्ट हैं इस देश की।
और मैं सभी वुमेन से कहूंगी कि हर महिला के अंदर एक छुपी हुई कला होती है, बस पहचानने की देर है। आपके अंदर भी एक कला है, ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर किचन में हैं या घर के व्यवस्था में लगी हुई हैं तो आप अपनी कला को नहीं पहचान रही। बस एक घंटा आप अपने लिए समय ज़रूर निकालिए, उस कला को पहचानिए, उस हुनर को पहचानिए और अपने अंदर एक जुनून क्रिएट करिए और बस उस जुनून के पीछे रात दिन लग जाइए और देखिए फिर जब आपके अंदर काबिलियत होगी तो आपके घर वाले खुद ब खुद आपको सपोर्ट करेंगे और आप भी जीवन में नाम कमाएंगी। आपने हमारे साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की, आपने इतनी सारे बातें की, क्लिपर के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मीनल जी। आकांक्षा एक ब्रांड है, एक नाम है। जाहिर सी बात है ये नाम कुछ दिनों में नहीं बना, इसके पीछे एक अथक मेहनत है। तो आपने देखा किस तरह एक महिला एक संघर्ष से अपना नाम कमा सकती है। आप में भी हुनर होगा, आप में भी पैशन होगा, ज़रूरत है तो बस उसे पहचानने के लिए। कैमरामैन होरी के साथ मीनल दीवान, रायपुर।